आज भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पे दो फिल्में रिलीज हुई। पहली निरहुआ और सलीम उर्फ फेकू की जय वीरू और दूसरी पत्थर के सनम। तो आइए इन दोनों का रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं कौन सी फिल्म है किससे बेटर, किसको मिले कितने स्टार और कौन सी फिल्म आपको देखनी चाहिए। वीडियो की शुरुआत में ही कह देते हैं हम कि आपको फिल्म वैसे दोनों देखनी चाहिए। खैर चलिए पहले बात करेंगे जय वीरू की, जिसमें आपको नजर आएंगे भोजपुरी सिनेमा के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे और हैदराबादी फिल्मों के नायक सलीम उर्फ फेकू और निशा सिंह। साथ ही आपको नजर आएंगे प्रकाश जैस भी। आपको बता दें ये दो भाइयों की कहानी है जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। मेहनत करना ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। पिता की चाय की दुकान है, सोचते हैं कि बेटे काम करेंगे, मेहनत करेंगे और एक दिन बड़ा नाम करेंगे। लेकिन भाई पिताजी को कहाँ पता था कि बेटों को रातों रात अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, लेकिन मेहनत का काम नहीं करना है। ऐसे ही जय वीरू यानी कि निरहुआ और सलीम एक कार चोरी करते हैं और बेच देते हैं फिल्म की हीरोइन आम्रपाली और निशा सिंह को। अब ये दोनों के हिस्से जो कार आती है, ये कार पाके खुश तो हो जाती हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं रहता है कि ये कार चोरी की है। बाद में इसका खुलासा होता है और ये जो खुलासा होता है बड़ा नाटकीय अंदाज में होता है, जिसके चलते इन दोनों हीरोइनों को इन दोनों लफंगों से प्यार हो जाता है। फिल्म की कहानी पूरी तरह से कॉमेडी है और अंत तक आपको हंसाती ही रहेगी। फिल्म के डायरेक्टर सुब्बा राव गोसांगी ने फिल्म की डायरेक्शन की कमान बराबर पकड़ी हुई है, लेकिन हाँ कहीं कहीं आपको फिल्म में एक्शन बेबुनियादी लगेगा, ऐसा लगेगा कि इसे ठूसा गया है। लेकिन फिल्म में कॉमेडी सीन की जो भरमार है और उसमें जो महारत हासिल है निरहुआ की, भाई इसकी तो हमें तारीफ करनी ही पड़ेगी। साथ ही हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी निरहुआ और आम्रपाली की केमिस्ट्री काबिले तारीफ है। ये दोनों जब भी पर्दे पर आते हैं कमाल के दिखते हैं। वहीं फिल्म के दूसरे हीरो हीरोइन यानी कि सलीम और निशा की जोड़ी नई है, फ्रेश है, लेकिन कहीं ना कहीं निशा की एक्टिंग से ये पता चल रहा है कि अभी वो भोजपुरी सिनेमा के लिए काफ़ी नहीं है। अगर आपको कॉमेडी फिल्मों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ जाइए और ये फिल्म देखिए। और हाँ हम यहाँ ये जरूर कहेंगे जय वीरू फुल टू पैसा वसूल फिल्म है। अब बात करते हैं इस बार की दूसरी रिलीज पत्थर के सनम की। तो आपको बता दें कि ये फिल्म एक काफी बड़ा मैसेज लेकर आती है। अगर आप एक साफ सुथरी और अच्छी भोजपुरी फिल्म देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप परिवार के साथ एक इमोशनल ड्रामा देखें, तो ये फिल्म जरूर देखिए। फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू एक संस्कारी बेटे का किरदार निभाते हैं, जो कि अमूमन आजकल देखने को थोड़ा कम मिलते हैं। वहीं भोजपुरी फिल्म की नई अभिनेत्री जो आपको अपने अभिनय से काफी चौंकाएंगी, बात कर रहे हैं यामिनी सिंह की। जी हाँ, उनके एक्टिंग में तो दमदारपन है ही। आपको बता दें कि फिल्म देखते वक्त आपको ये नहीं लगेगा कि आप यामिनी सिंह की पहली मूवी भोजपुरी में देख रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि फिल्म आधारित किस पे है। भाई ये आधारित है लड़के और लड़कियों के फर्क पे, किस तरह से बेटों को समाज में ट्रीट किया जाता है और किस तरह से बेटियों को समाज में ट्रीट किया जाता है। फिल्म में आपको कई लोगों की दमदार एक्टिंग देखने को मिलेगी। आपको फिल्म में देखने को मिलेंगे संजय महानंद, देव सिंह की बात यहाँ जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि ये फिल्म दर फिल्म अपने आप को काफी बेहतर करते जा रहे हैं, काफी निखारते जा रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए ये भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े विलेन बन के साबित होंगे। लेकिन भाई यहाँ एक इंसान की तारीफ नहीं हुई इस फिल्म में, तो ये फिल्म पूरी तरह से बेबुनियाद है। हम बात अवधेश मिश्रा की करेंगे। जी हाँ, अवधेश मिश्रा के लिए ये फिल्म देखिए आप, क्योंकि अवधेश मिश्रा ने इस फिल्म में ऐसा काम किया है जिस पे वो इतरा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अवधेश मिश्रा के इस फिल्म में तीन शेड्स हैं और तीनों को वो बड़े बखूबी ढंग से निभाते हैं। ऐसे ही उन्हें भोजपुरी का नंबर वन विलन नहीं कहा जाता। अगर आपको भोजपुरी में एक साफ सुथरी और इमोशनल ड्रामा वाली मूवी देखनी है, साथ ही उसमें रोमांस का तड़का हो, अच्छे गाने हो, तो भाई आप पत्थर के सनम देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम जय वीरू को देंगे 2.5 स्टार, तो वही पत्थर के सनम को देंगे 5/3 स्टार, क्योंकि भाई बात यहाँ अगर फुल टू पैकेजिंग मूवी की आ रही है तो ये फिल्म
कहीं न कहीं जय वीरू पर भारी पड़ती नजर आ रही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।